उसे खेलने का बहुत शौक था, लेकिन सिर्फ 8 साल की उम्र में उसका बायां हाथ काटना पड़ा। कोई और होता तो शायद निराश होकर ऊपर वाले से शिकायत करके ही सारी जिंदगी काट देता, लेकिन उसने अपने दोनों हाथों की ताकत अकेले दाएं हाथ में डालकर जैवलिन थ्रो शुरू किया। आज दुनिया भर में देवेंद्र झाझरिया को कोई टक्कर दे सकता है तो वो खुद है। तभी तो पैरालंपिक्स 2016 में उन्होंने अपने ही 12 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा। कोई और उस रिकॉर्ड को तोड़ ही नहीं पाया। बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी में। आपकी हाइट कितनी है? 6.1। माय गॉड। आइए देवेंद्र, 8 साल की उम्र में हाथ क्यों काटना पड़ा था? मैं एक पेड़ पे चढ़ा हुआ था, उस पेड़ में बिल्कुल नज़दीक से उसके लाइट के तार थे, 11,000 वोल्टेज, तो मैं उनके टच में हो गया और मेरे करंट लग गया। करंट से डॉक्टर ने मेरा हाथ काटा और मेरा 6 महीने ट्रीटमेंट चला था। वो खेलना आपने बहुत कम कर दिया था, जबकि खेलने के बहुत शौकीन थे आप। बिल्कुल, जब मेरा हाथ कटा और मैं वापस मेरे गांव में आया तो बच्चों के बीच में मैंने जाना, थोड़ा सा मेरे अंदर ये थी कि क्या बोलेंगे। उस टाइम में मेरी मदर ने मेरी बहुत मदद की, उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ जा कर के आप खेलो। अभी मैं रियो में मेडल लेकर के आया तो ऐसे बैठा था मेरी मदर के बीच में, तो मैंने कहा आपने देखो उस टाइम में मुझे भेजा था खिलाने के लिए, आज ओलंपिक मेडल आया है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ओलंपिक मेडल के लिए नहीं भेजा था आपको, मैं उन बच्चों के बराबर लाना चाहती थी आपको। क्या बात है, एक मैसेज है आपके लिए। मेरो पप्पू बेटो भाई बहुत बदमाश था, तो अलबात तो कर दो, अलबात ही तो थोए मने मनु कनी बेटा, तो आपने इतने अलबात ना करे कि मार बात भी काम आ जाएगी, जे दियो फंका फाकी कर दो जी, मारो भाई जची को नीमो को भाई आए को कठल अमर पड़ो है। आपको बताना पड़ेगा कि क्या बोला पूरा। इन्होंने ये बोला है कि ये बदमाशी बहुत करता था और ये जो मैं लकड़ी का बाला फेंकता था तो ये कहती थी कि इतनी बदमाशी क्यों करता है, क्यों स्पोर्ट्स का पता नहीं था ना इनको। तो मैंने बताया समझाया इनको कि ये गेम होता है ऐसे ऐसे, मैं गेम करूँगा ये। तो ये बोली भाई आपका नंबर कौन आने देगा ये बताओ पहले। तो मैंने कहा मैं तैयारी करूँगा। तब ये बोलती है कि उस टाइम मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप गेम कर पाओगे क्या। अच्छा बताइए, बहुत ज़िद्दी भी रहे हैं आप बचपन से? बिल्कुल, मैं ज़िद्दी रहा हूँ, करना है तो वो काम करना है, जिद से पूरा हो या कैसे भी हो मैं पूरा करूंगा उस काम को। चलिए आपको कुछ सुनवाते हैं। मैंने आपको घर भेजा था सामान लाने के लिए, आप सामान लाना भूल गए। मैंने पूछा क्या हुआ भाई, सामान क्यों नहीं लाया, आपने बोला भूल गया। अरे मैं कोई ऐसी गलती यार दोबारा मत करना। तो आपने उसी समय वापिस जाके 15 किलोमीटर गए, 15 किलोमीटर आए, वो सामान ला के मेरे को दिया, कभी ये ले तेरा सामान। तो मैंने बोला यार कोई बात नहीं बाद में ले आते। तो आपने बोला नहीं करना है, तो आपने कहा तो उसी समय मैंने कर दिया। तो आप जिद के पक्के हैं। ये स्कूल टाइम का है और बेसिकली सामान क्या था, हम घी भूल गए, घर से घी लेकर के आते थे, हमारे लिए जरूरी चीज थी वो। तो मैं वापस ला करके दे दिया। मैं कर लो बोले क्या जरूरत थी जाने की, मैं कहा क्या प्रॉब्लम है, करना सो करना है। लेकिन खेल में जाना है मतलब पढ़ाई लिखाई करें, नौकरी करें, कुछ सामान्य जिंदगी बिताएं, ये कि और मतलब जैवलिन थ्रो में जाना है, ये कब सोचा, कैसे सोचा? हमारे थोड़ा सा माहौल था एथलेटिक्स का वहाँ पे, कुछ बच्चे राज्य स्तर पे खेले थे तो उनको देखता था, तो शॉट पुट मुझे बहुत भारी लगता था और जैवलिन मुझे अच्छा लगा, डिस्किस थोड़ा अलग लगता था। तो मैंने कहा जैवलिन में करके देखता हूँ। तो पहले उनको मैंने देखा 5-7 दिन ये कैसे फेंकते हैं क्या करते हैं। अब बच्चे का ऐसा है जैवलिन तो थी नहीं, तो मैंने खुद ने मेरे गाँव में आकर के लकड़ी का जैवलिन बनाया। आपने खुद बनाया? हाँ खुद बनाया। अरे वाह। और वो फेंकनी मैंने शुरुआत कर दी। हाँ। तो मैं स्कूल से खेलने गया फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और मैं डिस्ट्रिक्ट का पहली दफा ही चैंपियन बन गया। उसके बाद फिर मैं नज़दीक के जो कस्बा है मेरा राजगढ़, वहाँ पे थोड़ी ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैं हनुमानगढ़ चला गया। हाँ। वहाँ मुझे कोच मिला आरडी सिंह। अच्छा। उन्होंने ट्रेनिंग करवाई। उसके बाद मैं 2002 में इंटरनेशनल लेवल पे आया था। बीच में फिर कुछ हाथ में और तकलीफ हुई जिसकी वजह से लगा कि अब जैवलिन भी छूट जाएगा? बिल्कुल, वो दौर बहुत ख़राब था मेरे लिए 99 और 2000 के करीब। मैं बहुत अच्छी जैवलिन कर रहा था उस टाइम में और मेरे एल्बो में इंजरी आ गई। 12 महीने मुझे रेस्ट करना पड़ा। मुझे डॉक्टर ने एक्सरसाइज बताई, काफ़ी ज़्यादा मांस फट गया था मेरे हाथ का। वो बगैर स्पोर्ट्स के 12 महीने ज़िंदगी जीना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। घर में आर्थिक
तकलीफ भी बहुत ज़्यादा थी? बिल्कुल, मैं छोटे किसान बोलते हैं जो उनका बेटा हूँ, मेरे लिए स्पेशल कपड़ों की जरूरत थी, जैसे ट्रैक सूट, वो बजट कहाँ से आए? तो मैंने क्या किया, मैंने कहा इसके लिए मैं खुद करूँगा कुछ ना कुछ। तो मैं और मेरा ब्रदर साथ रहते थे, तो मैंने कहा मैं कपड़े नहीं सिलाऊँगा, कपड़े में ब्रदर का पहनता था, मैं मेरी ट्रैक सूट लेकर के आया। अच्छा। तो वो टाइम था, अभाव था, पैसा नहीं था, लेकिन मैंने ये फील नहीं किया कि मेरे पास सुविधाएं नहीं है। देवेंद्र, एक बात बताइए, जब घर में आर्थिक तकलीफ भी है, एक हाथ भी नहीं है, आसपास गांव के लोग, रिश्तेदार बातें नहीं सुनाते थे? नहीं, वो तो होता है। जैसे मैं टूर्नामेंट में जाता था एक बार, तो किसी ने कहा कोच ने कि यार ये एक हाथ से क्या फेंकेगा, ये तो कोई सिफारिश से आया, बड़ी सिफारिश से। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए। लेकिन जब मेरा मेडल आया तो उसी कोच ने आकर के मुझसे सॉरी बोला कि मुझे ये पता नहीं था कि आप मेडल भी ले सकते हो क्या। मैंने कहा कोच साहब इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना ही रिकॉर्ड और खुद ही तोड़े, उस बीच कोई उसको वो ना कर पाए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो ईगो भी आता है, अच्छा लगता है? नहीं, मैं आपको बताऊँ, मुझे लाइफ में ईगो तो नहीं है, पर मुझे हिंदुस्तानी या एक हिंदुस्तानी होने के नाते या एक इंडियन के नाते जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है, तो मुझे उस बात का फ़ख्र है। उस टाइम मेरी उम्र 23 साल थी, आज मेरी उम्र 35 साल है। तो मैं यूँ कहूँगा कि 23 साल के देवेंद्र झाझड़िया पे 35 साल का देवेंद्र झाझड़िया भारी पड़ा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात करो। आपके सफ़र की अगर बात करूँ, जर्नी की, तो कोई ऐसा मौका जब सबसे ज़्यादा निराशा हाथ लगी कि नहीं कर पाऊँगा, नहीं उतना सपोर्ट मिल रहा है, आगे नहीं बढ़ पाऊँगा? ये कई बार होता है हमारे साथ, जैसे विशेष तौर पे जो 2002 के जो हमारे पैरा एशियन गेम थे, उस टाइम में मुझे खुद को खर्चा लगा करके जाना पड़ा था। तो उस टाइम में ये था कि पैसा कहाँ से आएगा, तो उस टाइम में मुझे बहुत निराशा थी कि आज यदि मेरे पास पैसा हो तो मैं सबसे आगे फेंकने वाला हूँ और मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ऊपर वाले की दुआ से, कई लोगों की दुआएं मेरे साथ थी, और वो मेरा सब अरेंजमेंट भी हुआ, और मैंने पहले ही मेरे पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। क्या बात है। एक शख्स है जो हमेशा आपके साथ रहे हैं, आज भी आपका साथ छोड़ते नहीं है, उनका एक मैसेज है आपके लिए। 2007 में जब आपकी शादी हुई थी, तब मुझे ये लगा था कि अब अपना दोस्ती यहाँ से आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको ध्यान होगा मैं राजगढ़ चला गया था आपकी शादी के 2-3 दिन बाद। उस टाइम आपने मुझे घर बुलाया और जो आपने मुझे जो दिलासा दी, और आपने ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, अपन साथ रहे हैं और आगे भी साथ रहेंगे, और उस मामले में आपको सबसे ज़्यादा शुक्रिया कहूँगा कि वो चीज़ आज भी अपनी चलती आ रही है। बिल्कुल, ये मेरा कज़िन है और बहुत क्लोज फ्रेंड है। शायद हम दोनों ज़िंदगी में सपने भी नहीं सोच सकते अलग होने का। ये तो हमारा 17 साल का है, खैर हम तो पूरी लाइफ एक जगह रहेंगे। और मैं कहूँगा कि यदि मैं राम हूँ तो ये हनुमान है। ट्रेनिंग यही करवाता ज़्यादातर मुझे, बचपन में हम साथ थे तो मेरे से एक हाथ से वेटनिंग नहीं होती थी, तो मैं एक हाथ मेरा लेता था, एक वो अपना लगा करके फिर मुझे वेटनिंग करवाता था। जितनी भी एक्सरसाइज थी, जेवलियन थी, जंपिंग थी, जितने भी, मतलब इसके बगैर स्पोर्ट्स तो अलग चीज़ है, मैं तो लाइफ की भी नहीं सोच सकता। बहुत बढ़िया। चलिए, अब यहाँ से क्या आगे? अभी नेक्स्ट लंदन में वर्ल्ड चैंपियनशिप है हमारी, उसी की तैयारी करेंगे, और हो सकता है एक बार उसमें भी वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक हो जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं देवेंद्र आपको, और हम चाहेंगे कि आप फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर आए और फिर हम एक बार आपको जिंदगी लाइव में बुलाएं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, एक तोहफा आपके लिए। थैंक यू सो मच।